करना है, फैलाना है, तो खा किस ही तरीके से। आज जिस सिलसिले में उन्होंने मुझे कॉल किया है तो खुशखती, मैं यहाँ नईम शाह अकेडमी में बतौर पहले उर्दू टीचर आया था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे स्कूल के जितने स्टूडेंट हैं इनकी आप हैंड राइटिंग ठीक करें। फिर इस तरह स्कूल में और अकेडमी में आखिर अब ये मुकाम ये पहुँचा कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक स्पेशल फ़ंड है, अल्लाह ताला मुझे दिया है, ये अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है और मैंने इसको आगे फैलाना है। क्योंकि इस दुनिया में और हमारे पास और क्या कहते हैं कि ये अगर मैं ना करूं तो मैं अगले जहान जवाब देऊंगा इसके बाद का। आज ये मकाम है कि मैं बतौर उर्दू टीचर हूँ वहाँ पे, यानी कि एकेडमी में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी पढ़ा रहा हूँ और स्कूल में क्या कहते हैं 6, 7, 8, 9 आगे वो भी। और ये जो काम है ये भी मेरे साथ से जारी है। जो मेरे पास तालिबे इल्म आते हैं तो मैंने कभी उनको ऐसे खाली हाथ नहीं भेजा, मैं उनको कुछ न कुछ वक्त निकाल कर जितना मेरे पास वक्त होता है मैंने कभी खाली नहीं जाने दिया। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले अगर इस कायनात को पैदा फरमाया तो साथ ही कलम को भी पैदा फरमा दिया। हम कुरान मजीद के तलावत करें, कुरान मजीद पढ़ें, नून वल कलम मा यस्तुरून, ये कलम का जिक्र आता है। अल्लाह ताला ने कलम को पैदा फरमाया और इसे इल्म सिखा दिया। तो दुनिया में खा कितने ही ये डिवाइस बन जाए, ये कितने ही कंप्यूटर बन जाए, जितने भी सॉफ्टवेयर बन जाए, और ये कहा जाए कि खुद कार जो ये निज़ाम इस दुनिया में रहज हो गया, तो फिर भी कलम का सहारा लेना पड़ेगा। कलम के बगैर दुनिया का जो तदसर तदरीस का निज़ाम है ये कभी नहीं चढ़ सकता। और हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमान है कि जो खुश नवीस है ये कभी भी रोजी से तंग नहीं होगा, ये अल्लाह ताला की बरकत है। और साफ ज़ाहिर के अच्छी लिखाई होगी जहाँ भी, ये तो उसके बड़े मुकाबले होते रहे अभी भी होते हैं। गो जब से कंप्यूटर आया तो थोड़ी सी तवज्जो इसकी कम ज़रूर होगी, लेकिन अभी फिर से इसकी दौड़ लग गई है, इसकी बड़ी अहमियत उजागर हो चुकी है कि इसके बगैर जो है ना आगे चलना मुश्किल है।